चीन को लाल आंख दिखाने वाले नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 4 साल पहले भारत की भूमि में चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर चीन को खुलेआम क्लीन चिट देकर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ सबसे गंभीर समझौता किया था, जब उन्होंने ये कहा था कि ना कोई हमारी सीमा में घुसा है और ना ही कोई हमारे पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लेकिन सच्चाई क्या है यह हम आपको बताते हैं। मोदी जी का यह बयान 15 जून 2020 को गलवान में हुए उस हिंसक संघर्ष के महज 4 दिन बाद आया था, जिसमें हमारे 20 बहादुर सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। उनका यह बयान ना तो सिर्फ हमारे सैनिकों का घोर अपमान था, बल्कि इनसे पूर्वी लद्दाख में 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय भूमि पर चीनी नियंत्रण को वैध ठहराने जैसा भी था। नतीजा, हमारे सैनिक आज तक इन क्षेत्रों में नहीं जा पा रहे हैं। चीनी सेना डेपसोंग मैदान में 5 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर भी भारतीयों को जाने से रोक रही है। डेमचोक में 3 और पेट्रोलिंग पॉइंट भारतीय सैनिकों की सीमा से बाहर है। और जले पर नमक तो तब छिड़का गया जब भारत को युद्धनायक मेजर शैतान सिंह के स्मारक को नष्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि वो जगह 2021 में चीन के साथ हुई बातचीत के मुताबिक बफर जोन में आता है। प्रधानमंत्री की क्लीन चिट के बाद से भूटान, नेपाल, मालदीव सहित कई पड़ोसी मुल्क भारत पर आक्रामक रुख अख्तियार कर रहे हैं। एक तरफ ये सब हो रहा है, उधर दूसरी तरफ चीन से हमारा आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है, जिसके कारण हमारे एमएसएमई को गंभीर नुकसान हुआ है। और ये सब छुपाने के लिए मोदी जी ने मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल किया है। लेकिन अब समय आ गया है कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ें और इन सवालों का जवाब दें। क्या वो अब भी ये मानते हैं कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा है? क्या उन्होंने डेपसोंग और डेमचोक में हजारों वर्ग किलोमीटर का नियंत्रण आने वाले समय के लिए चीन को सौंप दिया है? कई दशकों में भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक और खुफिया विफलता किसके कारण हुई, इसका जिम्मेदार कौन है?